नाजरीन आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग टू सक्सेस। एक सवाल, इस सदी की सबसे बड़ी रिसर्च कौन सी है? इस सवाल का जवाब अमूमन कंप्यूटर, भाप का इंजन, मोबाइल फ़ोन, बिजली का लैंप और सिलिकॉन जैसे कई फितरी जवाबात मिलेंगे। लेकिन विलियम जेम्स के मुताबिक अपने जहन और दिल का नज़रिया बदल कर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक नई सिम दे सकता है, यही इस सदी की सबसे अहम तहकीक है। दुनिया के तमाम लोग अगरचा हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन हमारा नज़रिया अगर पॉजिटिव होगा तो कामयाबी यकीनन हमारी होगी। अब आगे का सवाल ये है कि अपना नज़रिया कैसे तब्दील करें। पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील करने की चंद राहें फराहम हैं और वो हैं सेल्फ एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोल, गौर और फिक्र और मेडिटेशन करना। गौतम बुद्ध ने भी मराकबा या मेडिटेशन करने की राह दिखलाई और दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। दुआ मांगना, गांधी जी ने ये राह मुंतखब की और हमारे मज़हब इस्लाम में भी दुआ से बढ़कर कोई मराकबा नहीं हो सकता। आम गौर फिक्र करने वाला इंसान ये सोच रखता है कि ये मुकम्मल दुनिया ही टेढ़ी है, बदउनवान है, खुदगर्ज़ है, फिर ऐसी दुनिया में रहते हुए मेरे अकेले पॉजिटिव बन जाने से क्या होगा। ऐसी सोच रखने वालों को स्वामी बिहारी दास का ये मशवरा है कि फ़र्ज़ कीजिए ये मुकम्मल दुनिया ब्लाइंड है, माजूर है, सिर्फ आप ही मुकम्मल तरीन इंसान हैं, तो फिर क्या दुनिया की जानिब देखकर हम अपनी आंखें फोड़ लेने वाले हैं या अपने खुद के हाथ पांव तोड़ देने वाले हैं? नहीं ना, फिर हमें ही बेसहारा इंसानों की मदद और रहबरी करनी होगी ना। मुकम्मल दुनिया नेगेटिव होगी और इसमें सिर्फ एक ही इंसान पॉजिटिव सोच का मालिक होगा तो भी वो मुकम्मल दुनिया बदलने की ताकत अपने अंदर रखता है। ऐसी कई मिसालें हैं दुनिया में है। दशरथ मांझी ने तन्हा पहाड़ी और चट्टानों को लगातार 22 बरसों तक तोड़कर गांव वालों के लिए रास्ता बना दिया। उसके लिए उसकी बीवी फाल्गुनी देवी की मौत इंस्पिरेशन साबित हुई। थॉमस एडिसन ने तन्हाई कई साइंस और इलेक्ट्रॉनिक की रिसर्च कर डाली और दुनिया को जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की सहूलियात फराहम की। राइट ब्रदर्स देख लीजिए, उन्होंने ठान लिया कि हवाई जहाज़ को हवा में उड़ाकर फिजाई आमोदरफ्त मुसाफिरों के लिए बहाल करना है और घंटों का सफ़र मिनटों में तय करवाने का इरादा कर लिया। उन्होंने हवाई जहाज़ ईजाद करके ही दम लिया। जब रतन टाटा ने ये इरादा कर लिया कि टाटा मोटर्स कंपनी ने मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक सस्ते दामों की कार बनाना है ताकि वो भी कार से सफ़र कर सके, तो उन्होंने टाटा नैनो को रास्तों पर दौड़ा दिया। इस तरह की दास्तानों से तारीख भरी पड़ी है। साथियों, एक ही पॉजिटिव इंसान दुनिया को बदलने का इरादा कर ले तो वो तब्दीली ला कर ही रहता है। एक लड़के ने ख़ुदकुशी करने की ठान ली। उसने अपनी तालीम मुकम्मल करके हाल ही में मुलाजमत अख्तियार की थी और वो अपनी अंग्रेज़ी सिखाने वाली टीचर से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी टीचर से मुलाकात की और कहा, मैं जल्द ही दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। ये खबर जब उसकी अपनी टीचर को दी तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ख़ुदकुशी से बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और स्कूल में तुम अंग्रेज़ी में मज़मून बड़ा अच्छा लिखा करते थे, इसलिए ख़ुदकुशी करने से कबल तुम ख़ुदकुशी क्यों कर रहे हो ये ज़रूर लिखना। यही उस लड़के की लिखने की शुरुआत हुई और उसने हाथ में ली हुई कलम कभी रोकी नहीं और ख़ुदकुशी का ख्याल तो मालूम नहीं कहाँ गुम हो गया। आगे चलकर यही लड़का एक नामवर अदीब बना और उसने एक से बढ़कर एक 84 शौहरत याफ्ता किताबों की तख्लीक की। इस मुसन्निफ़ का नाम है SG वेल्स। देखिए, यहाँ एक अहम पॉइंट ये है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द से पॉजिटिव थिंकिंग रख कर उसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। इसी तरह अपनी औलाद पर जान निछावर करने वाले पेरेंट्स भी मजबूत तवक्कात रख कर औलाद की ज़िंदगी यकीनन बदल सकते हैं। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।